नमस्ते भारत में अब बात मुकेश अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक की। सचिन बाजी के केस का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और साथ में बढ़ता जा रहा है राजनीतिक वार पलटवार का दौर। बीजेपी बाजी के पीछे शिवसेना के कवच का आरोप लगा रही। बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 1.5 साल का सफर मुश्किलों और चुनौतियों भरा रहा है। ठाकरे परिवार से पहली बार कुर्सी पर बैठने वाले उद्धव ठाकरे ये समझ गए होंगे कि इस सफर में कांटे बहुत हैं और उद्धव के लिए सबसे ताजा कांटा है सचिन वाजे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो मामले में वाजे का नाम आने के बाद ही उद्धव सरकार को मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी हटाना पड़ा। शिवसेना पर वाजे को बचाने का आरोप लगाकर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। हालांकि शिवसेना और उसकी सहयोगी कांग्रेस दबाव की वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर को हटाए जाने की बात से इनकार कर रही है। इस बात पर चर्चा करें तो जैसे कहते दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता हम मानते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, और इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये कार्रवाई की है। इस अमन शांति को खराब करना बीजेपी अगर चाहती है तो ये कदापि महाराष्ट्र की जनता इनको माफ नहीं करेंगी, और इनको ऐसा लगता है कि इनके दबाव से अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो इनकी वो गलत फहमी है। 2004 में हिरासत में एक शख्स की मौत के आरोपों में घिरे सचिन वाजे 2008 में शिवसेना में शामिल हो गए थे। पिछले साल ही कोरोना के दौरान दोबारा वाजे को क्राइम ब्रांच में शामिल कर लिया गया, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है। एक साल के भीतर ही वाजे मुंबई की सबसे बड़ी साजिश में फंसते नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष वाजे को उद्धव सरकार के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।